आपने आज तक इतिहास की किताब में कई वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा होगा। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम योद्धा के बारे में बताने जा रही हूँ जो इस्लाम धर्म को अपनाने से पहले तो मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था, लेकिन इस्लाम धर्म अपनाने के बाद वह मुस्लिमों का सबसे बड़ा हीरो बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद से अल्लाह के तलवार का दर्जा भी अर्जित किया। कौन था ये योद्धा और क्या थी इसकी कहानी, तो चलिए जानते हैं। जिस योद्धा के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका नाम है खालिद इब्न अल वालिद। खालिद इब्न अल वालिद का जन्म 592 ईस्वी में अरब में हुआ था। जन्म से खालिद मुस्लिम नहीं थे। 36 वर्ष की उम्र तक खालिद इब्न अल वालिद इस्लाम धर्म के घोर दुश्मन थे। इसकी वजह ये थी कि उस दौर में मुस्लिम लड़ाकों को उहद में हार का सामना करना पड़ा था। फिर 628 ईस्वी में इस्लाम धर्म और कुरान से प्रभावित होकर खालिद इब्न अल वालिद ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। वह मोहम्मद पैगंबर के पहले कुछ साथियों में से एक थे। इसके बाद खालिद इब्न अल वालिद ने मुस्लिमों के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े और लगभग सभी युद्धों का परिणाम मुस्लिमों के पक्ष में रहा। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद वालिद ने मुस्लिमों के लिए कई बार हार या फिर नजदीकी जीत को शानदार जीत में बदलने का काम किया। ऐसा भी माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद उन्हें अल्लाह की तलवार का नाम देकर सम्मानित भी किया था। अगर इस्लामिक लड़ाई यानी युद्ध की बात की जाए तो खालिद इब्न अल वालिद का नाम इस्लामी योद्धाओं के इतिहास में सबसे पहले आता है, क्योंकि खालिद इब्न अल वालिद युद्ध के सभी कौशल में इतने निपुण थे कि उनको देखते ही दुश्मन फौज के छक्के छूट जाते थे। और तो और ऐसा भी माना जाता है कि वो पहले और अंतिम ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। खालिद इब्न अल वालिद के रंग कौशल को देखते हुए उन्हें 632 ईस्वी में इस्लामी सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया। कमांडर इन चीफ बनने से पहले खालिद ने 629 ईस्वी में एक छोटी सी मुस्लिम फौज के साथ उस समय की सबसे बड़ी फौज रोमन सेना को हराया था। इस लड़ाई को मूथा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर अप्रैल 633 के चेन्स की लड़ाई में भी खालिद ने फारसी हुकूमत के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी और उसमें भी उन्होंने विजय हासिल की। इस जंग के एक महीने के बाद फारसियों ने खालिद इब्न अल वालिद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, मगर उस जंग में भी फारसियों को हार का सामना करना पड़ा। इतिहास में इस लड़ाई को वलाजा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। फिर खालिद ने उसी साल उलेश की लड़ाई और जुमाई की लड़ाई में फारसी हुकूमत को हराकर मेसोपोटामिया से इराक तक फतेह हासिल की और वहां पर भी इस्लाम धर्म को स्थापित किया। फिर 634 ईस्वी में खालिद इब्न अल वालिद ने बुसरा की लड़ाई में रोमन और ईसाइयों की एक सबसे बड़ी फौज को हराकर सीरिया के छोटे से शहर बुसरा पर कब्जा किया। उसी वर्ष जुलाई की लड़ाई में मुस्लिम फौज ने फिर खालिद इब्न अल वालिद के नेतृत्व में रोमन कमांडर हरकुलेस पर भी फतेह हासिल की। इतनी जंगें जीतने के बाद खालिद की बहादुरी के किस्से मशहूर हो चुके थे। जब भी कोई जंग होती और दुश्मन को पता चलता कि खालिद इस जंग में शामिल होगा तो दुश्मन कांपने लगते। इसी तरह 637 ईस्वी तक खालिद इब्न अल वालिद ने कई देशों और सेनाओं को हराकर वहां इस्लाम धर्म की स्थापना की। सैकड़ों युद्ध लड़ने के बाद 638 ईस्वी में खालिद इब्न अल वालिद को सेना के नियम अनुसार सेना से निवृत्त कर दिया गया और उसके 4 साल बाद यानी 642 ईस्वी में उनका अपने ही घर में निधन हो गया। निधन के बाद उनको अपने ही घर में दफनाया गया जो आज के सीरिया में होम्स प्रांत में है। यहाँ आज भी खालिद इब्न अल वालिद मस्जिद बनी हुई है। यही वजह थी अपने अंतिम समय में खालिद इब्न अल वालिद कहा करते थे कि मैंने सैकड़ों युद्ध लड़े और फतेह भी हासिल की, लेकिन फिर भी मैं खुद को बदनसीब ही मानता हूँ क्योंकि मुझे जंग के मैदान में शहादत नसीब नहीं हुई। शहादत तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन अपना नाम वो इस्लाम और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा लिखने के लिए कामयाब हो गए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।